माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। इससे पहले मैंने रीजनिंग के लिए ओलंपियाड एग्जाम में रीजनिंग से संबंधित बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं, मैं क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए एमसीक्यू रीजनिंग से टॉपिक वाइज लेकर आ रही हूँ। इससे पहले मैंने पैटर्न टॉपिक पर दो वीडियो रीजनिंग की बना चुकी हूँ और आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें हमने 20 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे। आज का हमारा वीडियो क्वेश्चन नंबर 21 से रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलो इन ऑल थ्री फिगर्स। ये तीन फिगर्स दिए गए हैं, इसमें हमें ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे बताना है कौन से नंबर आएंगे। फिगर वन एंड फिगर टू दोनों में जो रूल फॉलो किया गया है उसी के अकॉर्डिंग पिक्चर थर्ड में भी हमें बताना है। तो द रूल फॉलो इज़, इस पर हमारा ये तीनों नंबर जो है हमें देखना है बीच वाले नंबर कैसे प्राप्त हुए। तो हम देख पा रहे हैं 4+3+2=9, अर्थात ये तीनों नंबर्स को हमको प्लस करके 9 आ रहे हैं। उसी प्रकार दूसरे ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं 2+6+4=12। तो देन हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा, 3+1+6=6 and 4=10। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 10 और 10 नंबर हमारा ऑप्शन वन में है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन फिगर एक्स। ये फिगर दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कौन सा फिगर इसमें पुट होगा। तो सबसे पहले इस फिगर को हम इसके अकॉर्डिंग बना कर देखते हैं। ये हमारा इसके सामने हो जाएगा, तो ए ई आई ओ यू ये वॉवल है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई और फिर ये ट्रायंगल ऐसे जा रहा है और इस प्रकार का ये फिगर बन रहा है और यहाँ पर आई आ रहा है और यहाँ पर भी आई आ रहा है। तो इस प्रकार का फिगर जो है हम देखते हैं किसमें है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। सो इस प्रकार का फिगर मैच कर रहा है ऑप्शंस बी में, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंप्लीटेड द पैटर्न इन फिगर एक्स। इसमें भी फिगर को हमको कंप्लीट करना है, ये देखना है कि किस प्रकार का फिगर इसमें पैटर्न कंप्लीट करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं ए बी सी एंड डी, यहाँ पर देखिए बीच में येलो कलर आ रहा है, इसको अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार ये येलो आ जाएगा, बी में भी येलो है जबकि सी एंड डी में येलो कलर नहीं है। तो ये दोनों तो हम ऐसे ही क्रॉस कर देते हैं, फिर ए और बी में हम देखेंगे कौन सा कलर आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ये ले लेते हैं येलो कलर, तो यहाँ नीचे क्या हो रहा है, ये इस प्रकार जाएगा, यहाँ पर पर्पल कलर हो जाएगा और यहाँ पर ग्रीन कलर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर पर्पल, नीचे पर्पल जो है ऑप्शन बी में आ रहा है जबकि ए में ग्रीन कलर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इफ द सेम पैटर्न इज फॉलो इन द सेम थ्री फिगर देन फाइंड द मिसिंग नंबर। ये तीन फिगर दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है पैटर्न वन एंड पैटर्न टू में जो रूल को फॉलो किया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें पैटर्न थ्री में नंबर्स पुट करना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ऊपर वाले बॉक्स में, तो हमें इस दोनों में देखना है कि ऊपर वाले नंबर यहाँ पर इन दोनों में से किस प्रकार आ रहे हैं। जनरली बच्चों ये ध्यान रखना है खासकर क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए मैं ये रूल कह रही हूँ, किस तरह में जनरली प्लस या माइनस करके वो नंबर प्राप्त हो जाता है। तब यहाँ पर हम देख रहे हैं 35-18=17, 35 में से 18 को माइनस करेंगे तो 17 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी हो रहा है 76-29=47, तो इसमें भी क्या होगा, 57-32=7 में से 2 गया 5,
एंड 5 में से 3 गया 2, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 25। 25 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी 25। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ब्लैंक एंड ब्लैंक विल कम इन प्लेस ऑफ पी एंड क्यू इज रेस्पेक्टफुली। ये पिक्चर्स हमारा बॉक्स में दिया गया है, 9 फिगर्स हैं। पी एंड क्यू में कौन से पिक्चर्स आएंगे ये हमें देखना है। द रूल फॉलो, इसमें हम देख पा रहे हैं ईच रो या ईच कॉलम मस्ट हैव 3 डिफरेंट फिगर। तीनों रो, 3 रो एंड 3 कॉलम हैं, इनमें सभी में अलग अलग पिक्चर्स डिफरेंट पिक्चर्स हैं और यही 3 पिक्चर डिफरेंट रो में हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट रो में स्टार सर्कल एंड ट्रायंगल, या इसको आप कह सकते हैं डायमंड से। तो इसमें येलो हो रहा है, स्टार हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डायमंड शेप आ जाएगा और यहाँ पे भी ये पिक्चर्स इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे भी डायमंड फिगर आ जाएगा। तो पी एंड क्यू में क्या हो जाएगा, डायमंड शेप। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या है, ए बी सी एंड डी। तो ऑप्शन सी में दोनों डायमंड फिगर्स हैं, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ द सेम रूल इज फॉलो ऑल द 3 फिगर्स। तीनों में सेम रूल फॉलो होगा। अब इसमें हम देख पा रहे हैं फिगर 1 एंड फिगर 2 कंप्लीट है, फिगर 3 बीच में हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो हमें देखना है ये बीच वाले नंबर कैसे प्राप्त हो रहे हैं, माइनस करके या प्लस करके। तब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 + 5 + 6 + 2 इक्वल टू 6 × 2 = 8, 6 × 2 = 8, 8 और 1 = 9, 9 × 5 = 14। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 5 + 1 + 3 + 2, 5 × 1 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 2 = 11। तो हम क्या देख पा रहे हैं, इनके सर्कल के चारों तरफ के नंबर को प्लस करके बीच वाले नंबर हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें भी हम वही करेंगे, 6 + 2 + 5 + 9 = 6 + 2 + 8 = 9, 10 + 11 = 13, 13 + 9 = 13, 16 + 17 = 18 + 19 = 20 + 21 = 22 + 23 = 24। तो यहाँ पर ये नंबर आ गया हमारा बी ऑप्शन 20। सो इसको प्लस करके हमारा नंबर आ रहा है 22। 22 हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट नंबर, द स्टडी पैटर्न 1, 2 एंड 3 यूजिंग द सेम पैटर्न टेल द नंबर ऑफ बिट्स इन पैटर्न 5। यहाँ पर पैटर्न 3 दिया गया है, हमें पैटर्न 4 एंड पैटर्न 5 में कितने बिट्स होंगे ये निकालना है। पैटर्न 1 में कितने बिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 2 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड पैटर्न 3 में हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। 15 बिट्स हैं। तो ये सीक्वेंस में हम देखते हैं, अब हम देख रहे हैं पैटर्न 1 में 5 है, पैटर्न 2 में 10 है एंड पैटर्न 3 में 5 है। तो इसमें कितने हो रहे हैं, 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 5 = 20 और 20 + 5 = 25। यानी हर बिट्स में +5 ऐड करते जा रहे हैं और नेक्स्ट पैटर्न पर पहुंचते जा रहे हैं। तो इस प्रकार पैटर्न 5 में कितने बिट्स आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 25 बिट्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द पैटर्न 1, 2 एंड 3 यूजिंग द सेम पैटर्न टेल अस द नंबर ऑफ माइस इन पैटर्न 6। यहाँ पर पैटर्न 1, 2 एंड 3 दिया गया है और हमें पैटर्न 4, 5 एंड 6 पैटर्न्स में कितने माइस रहेंगे ये हमें निकालना है इसी पैटर्न्स के रूल को फॉलो करते हुए। सो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं, पैटर्न 1 में 3 माइस हैं, पैटर्न 2 में 5 हैं एंड पैटर्न 3 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो हमारा ये सीक्वेंस देख लेते हैं, 3, 5, 7।
यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस टू ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस टू ऐड हो रहा है, तो हमारा पैटर्न जो है प्लस टू सब में ऐड होता जाएगा। तो थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस टू सेवन, सेवन प्लस टू इजकल टू नाइन, एंड नाइन प्लस टू इजकल टू एलेवन, फिर एलेवन प्लस टू इजकल टू थर्टीन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पैटर्न में हमें देखना है। तो सिक्स पैटर्न में कितने बिट्स हो जाएंगे, सिक्सटीन हमारा ये हो जा रहा है। थ्री प्लस टू इजकल टू फाइव, फाइव प्लस टू सेवन, सेवन प्लस टू नाइन, नाइन प्लस टू एलेवन, एंड एलेवन प्लस टू थर्टीन। सो नंबर ऑफ माइस इज पैटर्न सिक्स इज थर्टीन। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में थर्टीन नंबर है। ऑप्शन सी में थर्टीन है, सो थर्टीन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका एनओसी कंप्यूटर्स में 2019 में पूछा जा चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो हर साल कोई ना कोई ओलंपियाड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ज़्यादातर कंप्यूटर ओलंपियाड में पूछे गए हैं, उसी को हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलो इन ऑल द थ्री फिगर्स। ये थ्री फिगर्स दिए गए हैं, सेम रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमें ये नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि ये नंबर कैसे प्राप्त हुए हैं। तो इसमें हम देख पा रहे हैं 12 प्लस 15 इजकल टू 27, यानी इन दोनों को प्लस करके नीचे वाला नंबर आ रहा है। इसी प्रकार इसको हम प्लस करते हैं तो हमारा हो जाता है 32 प्लस 13 इजकल टू 45। तो नेक्स्ट नंबर हमारा इसी प्रकार प्राप्त होगा 43 प्लस 9 इजकल टू 9 एंड 3 12 और 1 5 और 1 4 और 1 5 52। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 52। ये भी आपका एनसीओ 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न इन गिवन फिगर। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस फिगर को हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम इसको पिक्चर को कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार ये राउंड शेप हो रहा है एंड इस प्रकार यहाँ पर ये लाइन जा रही है, तो यहाँ से ये लाइन इस प्रकार जाएगी, फिर ये यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है और यहाँ पर इस प्रकार बना हुआ है, तो ये इस प्रकार हो जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा किस में है देखना है, केयरफुली लुक एट द पिक्चर्स एंड फाइंड देम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन हमारा एनएसओ साइंस ओलंपियाड क्लास टू में 2019 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 हम देखेंगे कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न 6, 12, 18 क्वेश्चन मार्क 30 एंड 36। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं एक सीक्वेंस में नंबर आगे बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं प्लस या माइनस करके किस प्रकार नंबर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 6 प्लस 6 इजकल टू 12, फिर 12 प्लस 6 इजकल टू 18 एंड 30 प्लस 6 इजकल टू 36। तो हम देख पा रहे हैं कि सभी में प्लस 6 ऐड हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी 18 प्लस 6 अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा नंबर आ जाएगा 24। ये नंबर हो जाएगा 24। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 24। इस प्रकार प्लस 6 सब में ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं 24 प्लस 6 इजकल टू 30। तो प्लस 6 की ये पैटर्न सीरीज है। ये क्वेश्चन भी आपका नेशनल ओलंपियाड 2019 में क्लास टू में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 स्टडी द पैटर्न 1, 2, 3 यूजिंग द सेम पैटर्न एंड टेल द बिट्स ऑफ पैटर्न 6। इसी प्रकार के ये क्वेश्चन वापस बिट्स के भी हमने किए हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। पैटर्न 1 में 4 बिट्स है, पैटर्न 2 में 9 बिट्स हैं एंड पैटर्न 3 में हमारा 14 बिट्स हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार ये नंबर जा रहा है 4, 9, 14। तो इन दोनों के बीच कितने प्लस हो रहे हैं, 4 प्लस 5 इजकल टू 9, 9 प्लस 5 इजकल टू 14। अब हमें पैटर्न 6 निकालना है,
तो हर नंबर में हमारा प्लस 5 हो जाएगा, तो 14 प्लस 5 यहाँ पर हो जाएगा, 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19, फिर 19 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 24, एंड 24 प्लस 5 इज इक्वल टू 29। सो पैटर्न 6 में हमारा नंबर हो जाएगा 29, सब में प्लस 5 ऐड हो रहा है, तो 29 ऑप्शन ऑप्शन बी में है, सो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द मिसिंग शेप विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर पैटर्न। ये पैटर्न दिए गए हैं किस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन मार्क में हमें बताना है। तो ट्रायंगल, स्क्वायर, ये डायमंड शेप, स्क्वायर एंड सिलेंडर शेप, तो ये चार शेप यहाँ पे जा रहा है, फिर वापस ट्रायंगल, इस प्रकार ये वापस रिपीट हो रहा है, यही पिक्चर फिर वापस रिपीट हो रहा है। द पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 4 फिगर्स। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये शेप ब्लू कलर में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में, ये शेप जो है रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर बी, ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में नेशनल ये मैथ ओलंपियाड में पूछा जा चुका है। अब इसी प्रकार हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, कुछ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल्स के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, बच्चे आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34, 35, ये सारे क्वेश्चन जो पिछले साल या एक दो सालों में जो पूछे जा चुके हैं, चाहे वो मैथ में हो, साइंस में हो या फिर कंप्यूटर्स में हो। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, फिर इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगी, अदरवाइज आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, ये भी आपका मैथ ओलंपियाड में पूछा जा चुका है, एंड नेक्स्ट ये सेफ फिगर को कंप्लीट करना है, ये भी मैथ ओलंपियाड में पूछा जा चुका है 2020 में। आज के लिए इतना ही, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूले, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये पैटर्न्स के जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाले हैं, प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको आपसे ये सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं, और कौन से क्वेश्चन के क्या आंसर है, फिर मैं आपको बताऊँगी आपने सॉल्व सही किया है या गलत किया है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रीजनिंग से नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग यूनिट, मेजरिंग यूनिट से हम नेक्स्ट टॉपिक में समझाते हुए एमसीक्यू लेकर आएंगे, जिसे देखना ना भूलें। थैंक यू।